चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जिला राजौरी के डांगरी इलाका में एक कैंडल मार्च जो है वो परिवार की तरफ से शुरू कर दिया गया है ये इस वक्त की बड़ी खबर और आवाम की भी जो है वो का इलाका की जो है वो इस वक्त उस परिवार के साथ और डांगरी चौक से जो है वो खालसा चौक की तरफ ये कैंडल मार्च जो है वो बढ़ता जा रहा है ये इस वक्त की बड़ी खबर के जिला राजौरी में यकब जनवरी को 2023 में जो है वो एक हदसर उनमा हुआ जिसमें सात लोगों की जान अब तक चली गई और जिसमें बारह से सात लोग जो है वो जख्मी भी हैं और उनके मुतालबा जो है वो परिवार की तरफ से किया जा रहा है कि कातलू को जल्द से जल्द जो है वो सजा दी जाए ताहम सरकार की तरफ से यकीन कहानी जो है वो परिवार तक की तो दी जा रही है लेकिन अब तक जो है वो उन लोगों को सज़ा जो है वो नहीं दी गया है और जिसके बाद आज उस परिवार की तरफ से मुतालबा जो है वो किया जा रहा था और आज इस वक्त डांगरी चौक से खालसा चौक की तरफ जो है ये कैंडल मार्च जो है वो बढ़ता जा रहा है ये परिवार की तरफ से लगातार जो है वो इंतज़ामिया के खिलाफ नारेबाजी भी लेकिन ताहम अब तक जो है वो परिवार की तरफ से बार बार जो है वो ये कहा जा रहा था कि हम जो है वो आ, किसी भी नतीजे पर जो है वो आ सकते हैं अगर आप कातिली को सज़ा जो है वो नहीं देंगे याद रहें कि जिला राजौरी में यकम जनवरी 2023 को एक हादसा रोनमा हुआ जिसमें तकरीबन सात लोगों की जान चली गई बारह से जायद लोग जो हैं वो जख्मी हुए और ये आ, माना जा रहा था कि दहशत गर्दों की तरफ से ये कायराना हरकत की गई और उसके बाद परिवार की तरफ से लगातार जो है वो मुतालबा किया गया तहम वज़ी दाखिला अमित शाह की तरफ से भी यक, यकीन दहानी परिवार को थ्रू टेलीफोन जो है वो दी गई कि आप जो जिन लोगों ने ये यकी हरकत की है उनको जो है वो सजा दी जाएगी लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से भी यकीन दहानी वहीं इस दौरान जो है वो परिवार की तरफ से ज़िला के कमिश्नर के साथ भी जो है वो बार बार जो है वो मिले मुलाकात भी जो है वो की ये भी मुतालबा किया कि जो है वो कातरों को जल्द सजा दी जाए लेकिन इंतजामिया की तरफ से सरकार की तरफ से वो यकीन दहानी तक ही जो है वो महदूद रही और आज डांगरी इलाका के लोगों के साथ साथ उस परिवार की तरफ से कैंडल मार्च जो है वो शुरू किया गया है मतालबा किया जा रहा है कि कातिलों को सज़ा दी जाए ऐसा मतालबा जो है वो लगातार परिवार की तरफ से किया जा रहा है तहाम अगर पॉलिटिकल लीडरान की बात करें तो उनकी तरफ से भी इस परिवार के साथ जो है वो परिवार के साथ मुलाकात तो की गई और उनसे भी ये कहा गया और पॉलिटिकल लीडरान की तरफ से भी ये मुतालबा किया गया कि जल्द से जल्द जो है वो इन परिवार को जो है वो इंसाफ दिया जाए और कातलों को सजा दी जाए ताहम सरकार की यकीन दहानी तक ही महदूद ये मामला परिवार को पसंद नहीं आया और आज उनकी तरफ से डांगरी चौक से खालसा चौक तक जो है एक कैंडल मार्च जो है वो शुरू किया गया है या तस्वीरें बाबा तौर पे जो है वो देख सकते हैं कि परिवार गुस्से में भी और गम में भी तहम सरकार अब तक जो है वो सुस्त रवि से चल रही है यकीन दहानी तक ही जो मामला हैं वो महदूद हैं वहीं इस में सरकार की तरफ से एस एस का तबादला किया स्टेशन हाउस ऑफिसर राजौरी का तबादला किया लेकिन लोगों की तरफ से उस परिवार की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया के एस एस पी और जो स्टेशन हाउस ऑफिसर का तबादला किया गया है उसको जो है वो रोक दिया जाए तब तक जब तक कातरू को सज़ा नहीं दी जाती उनका ये कह रहा था कि इस मामले को ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है और इसलिए जो है वो तबादले किए जा रहे हैं तम परिवार की तरफ से आज जो है वो कैंडल मार्च शुरू किया गया डांगरी चौक से खालसा चौक तक और बड़ी खबर इस वक्त की यह भी आ रही है जरा के हवाले से खबर मिली है कि इस कैंडल मार्च के बाद जो है वो परिवार की तरफ से जो है एक कल जो है वो लायबल बनाया जाएगा कि अगला जो है वो रणनीति कैसी रहेगी उसके ऊपर जो है वो परिवार के साथ साथ उन लोगों की तरफ़ से क्या कुछ जो है वो रणनीति बनाई जाएगी इसके लिए जो है वो कल जो है वो तबादला ख्याल जो है वो किया जा रहा है ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि के आज कैंडल मार्च और कल जो है वो अगला लाल परिवार की तरफ से इलाका के लोगों की तरफ से बनाया जाएगा कि आगे की रणनीति जो है वो कैसे की जाएगी जिससे उन कातरों को सजा जो है वो सरकार से मुतालबा करके दिलवाई जाए